अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 5। नाउ वी आर स्टडिंग न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। नाउ ओपन अ पेज नंबर 58, मेंशन द डेट। जी स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर पार्ट नंबर 3, हमने मटेरियल एंड मैटर पढ़ा था, उसका यूनिट नंबर 6 सॉइल, उसकी रीडिंग भी की थी, एक्सप्लेनेशन भी की थी, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स और इसके वर्ड्स मीनिंग भी किए थे। अब इनके एक्सरसाइजेस पे आते हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ सॉइल फील्स स्टिकी व्हेन वेट। और बोले ऐसी कौन सी सॉइल की इकसाम है जो जिसे महसूस करें बिल्कुल स्टिकी स्टिकी सी होती है। उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, नंबर ए सैंड, नंबर बी सिल्ट, नंबर सी क्ले, नंबर डी नॉन ऑफ दिस। यानी बताइए कि सैंड यानी मिट्टी मिट्टी से जो होती है वो चिकनी होती है, या जो सिल्ट होती है वो होती है, या क्ले, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो क्ले है, क्ले की जो सॉइल होती है वो हमारे पास बिल्कुल स्टिकी सी होती है, चिपकी चिपकी सी होती है। तो हम सी पे टिक करेंगे। नंबर 2, द टेक्स्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन। सॉइल का टेक्स्चर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ए द मॉइस्चर इन द एयर, हवा में नमी होती है। द कलर ऑफ द सॉइल, सॉइल के कलर पर डिपेंड करता है। इट्स मिनरल्स कॉन्टेंट, इट ये इनके मिनरल्स पे वो मुश्तमिल होती है, यानी मिनरल्स के ऊपर पता चलता है कि ये कौन सी सॉइल है। नंबर डी द साइज ऑफ इट पार्टिकल्स, यह उनके साइज और पार्टिकल्स से पता चलता है। तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि भाई जब भी किसी सॉइल को देखा जाता है तो सारे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उनके साइज और पार्टिकल से उनका टेक्सचर पता चलता है कि कौन सा टेक्सचर है, चाहे ये सैंड है, सॉइल है, क्ले है। किसी का कोई ज़्यादा बारीक होता है, किसी का ज़्यादा मोटा होता है, किसी का वो होता है ग्रिटी सा होता है, किसी का कहते हैं स्टिकी सा होता है, इस वजह से। नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट ग्रेन एंड फील्स रफ। वो बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी एक वो मिट्टी सी है, सॉइल है, जिसके यानी अगर आप उसके पार्ट्स जो होते हैं, ये कह रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी सॉइल होती है जिसके लार्जेस्ट ग्रेन्स होते हैं और बिल्कुल रफ रफ सी होती है। नंबर ए सिल्ट, नंबर बी नॉन ऑफ देम, नंबर सी सैंड, नंबर डी क्ले। तो हमने सिल्ट के बारे में पढ़ा था कि उसके यानी जो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, यानी जो इसको जब फील करो यानी हाथ में अगर लें तो बिल्कुल रफ रफ सा होता है, वैसे तो बिल्कुल स्मूथ होती है, नरम सी होती है, लेकिन उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर जो होता है रफ सा होता है। नंबर जो है नंबर 4 है, व्हाट इज़ सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि ऊपर की सतह पर जो चीज़ आई हुई होती है उसे थसलस जिसे बोलते हैं, वो सेडिमेंट होती है, लेकिन असल में उसमें होता क्या गया वो बताना है। नंबर ए वाटर फ्लोइंग इनटू सी, क्या यानी जो पानी लग लग के जो पत्थरों पे लगा होता है फ्लो करके आया होता है वो होता है। नंबर बी अ टाइप ऑफ रॉक डेट इज़ इरोडेड बाय अ सी, वो पत्थर जो समुद्र के किनारे के पास रखे हुए होते हैं। नंबर सी क्रॉप डेट हैव बीन फ्लडेड, या जब फसलों को सैलाब तबाह कर देता है या सैलाब आ जाता है वो होता है। नंबर डी स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक एंड सॉइल डेट आर कैरिड अलॉन्ग एंड डिस्पाइटेड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। वो ये कह रहे हैं कि जब पानी जब दरियाओं का और ये नहरों का जो पानी होता है तो वो पत्थरों के ऊपर से गुजरता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों के वो लग लग के छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ सैंड भी जमा हो जाती है, सॉइल भी जमा हो जाती है, उस चीज़ को जो ऊपर की सतह पे जमा होती है उस चीज़ को बोलते हैं सेडिमेंट यानी थचलेस। ठीक है। नंबर 5 द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग अ प्लांट इज़, सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है जिसके ज़रिए प्लांट भी ग्रो करते हैं? नंबर ए क्ले, नंबर बी सिल्ट, नंबर सी सैंड, नंबर डी रॉक। तो सिल्ट वो सॉइल होती है जिसकी जिसके ज़रिए प्लांट्स भी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। इसके बाद अभी हम ट्रू फॉल्स और इनके फिंगर ब्लैंक्स भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि आपको क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 2 में ट्रू फॉल्स दिए गए हैं,
तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके ट्रू और फॉल्स लिखने। नंबर वन देखिए, द टॉप सॉइल कंटेंस सॉलिड रॉक। वो बोल रहे हैं टॉप सॉइल जो होती है ये अर्थ की, उस पर बिल्कुल सॉलिड रॉक होते हैं जी नहीं, उस पर तो बिल्कुल नरम नरम से मिट्टी होती है, तो इट इज़ फॉल्स। नंबर सेकेंड, द सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल इज़ नॉन एज द बेड रॉक। वो कह रहे हैं कि भाई जब सेकेंड रॉ होती है उसमें बेड रॉक यानी बिल्कुल वो दरियाए पत्थर चटाने से आने शुरू हो जाती हैं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, इधर आएगा फॉल्स, क्योंकि वहाँ तो अभी सिर्फ सब सॉइल्स होती है वो, तो उसमें हार्ड रॉक जो ज़रूर होते हैं लेकिन छोटे छोटे से पाव यानी नरम नरम भी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, तो सब सॉइल कराती है। उसके बाद फिर रॉक आते हैं जिसमें खाली पत्थर होते हैं, फिर सेकेंड यानी फोर्थ वाले पे आती है बेड रॉक जो बिल्कुल चट्टाने होती हैं। अच्छा जी, नंबर थर्ड, द टेक्सचर ऑफ सिल्ट इज़ स्मूथ एंड सिल्की। वो कह रहे हैं ये जो सिल्ट का जो टेक्सचर है स्मूथ ही होता है, सिल्की सा होता है, मैंने जिस तरह अभी आपको बताया कि ये फील बिल्कुल रफ़ रफ़ सी होती है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर यानी टेक्सचर जो है वो बिल्कुल स्मूथ सा होता है, इट इज़ ट्रू। नंबर फोर, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी, के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सॉइल को यानी ख़राब कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने जब सॉइल के बारे में पूछा था, पढ़ा था कि वो किस चीज़ से बनती है, इसमें वाटर भी होता है, एयर भी होता है, पार्टिकल्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड हुई हुई थिंग्स जो होती हैं जैसे एनिमल्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए वो और इसको फर्टिलाइज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। नंबर फाइव, सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि सिल्ट जो है एक बेस्ट सॉइल है प्लांट्स को ग्रोइंग करने में, बढ़ाने में, बढ़ते हैं इससे ज़्यादा, जिस तरह के अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, अभी उसमें भी चूज़ द बेस्ट आंसर में भी हमने इसको फिल किया है, तो यहाँ पे भी आएगा इट इज़ ट्रू। नंबर सिक्स, ओनली इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन द सॉइल। वो कह रहे हैं कि खाली सॉइल के अंदर कीड़े मकौड़े अपने घर बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, खाली कीड़े मकौड़े नहीं बनाते, और भी छोटे छोटे जानवर हैं जो खाली उसके साथ साथ रहते हैं उस पर सॉइल में, इट इज़ फॉल्स। आप फिंगर ब्लैंक्स करेंगे अभी हम एक्सरसाइज नंबर थ्री। नाउ ओपन अ पेज नंबर 59, एक्सरसाइज नंबर थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिंगर ब्लैंक्स दी गई, इनको फिल करना है, जिन्हें खाली जगह भी कहते हैं। नंबर वन, द लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेंस मोस्ट होम्स इज नॉन एज। वो कह रहे हैं कि भाई वो कौन सी सॉइल की लेयर है जहाँ पे होम्स बड़ी काफ़ी अच्छी तादाद पर मुश्तमिल होते हैं, पाए जाते हैं, जहाँ से प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। तो जाहिर सी बात है प्लांट्स बिल्कुल ऊपर वाली एरिया लेयर से ग्रो करते हैं, तो ऊपर वाली सबसे लेयर हमारी है टॉप सॉइल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होम्स पाए जाते हैं। नंबर सेकंड, द सॉइल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मीडियम साइज पार्टिकल्स एंड फील स्मूथ कोल्ड। वो कह रहे हैं कि भाई ये बताइए कि बिल्कुल मीडियम साइज़ की सॉइल होती है, इसका पार्टिकल बिल्कुल मीडियम यानी छोटे छोटे से होते हैं, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, और लेकिन स्मूथ उसका फील जो है ना स्मूथ होता है, तो यानी जो स्ट्रक्चर्स है उसका वो बताइए वो बिल्कुल उसका वो स्मूथ सा होता है, तो वो कौन सी सॉइल है, तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया इसको सिल्ट। नंबर थर्ड, द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ बिलो द टॉप सॉइल इज़ नॉन एज द डैश। वो कह रहे हैं कि टॉप सॉइल से अगर नीचे जाएँ तो उसके नीचे कौन सी लेयर आती है, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी पढ़ा था, चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में भी समझा था इसे, कि टॉप सॉइल के बाद वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे हार्ड यानी सॉलिड पत्थर और छोटे नरम नरम से पत्थर और मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो उसे बोलते हैं सब सॉइल, ये टॉप सॉइल के बाद आती है। नंबर फोर, द सॉइल विच कंटेंस द लार्जेस्ट पार्टिकल एंड फील्स रफ व्हेन रब्ड इज कॉल्ड। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो एक ऐसी सॉइल होती थी जिसके लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं और रफ सी होती है बिल्कुल, तो उसका बताइए क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल रफ होता है, उसको पकड़ते साथ ही पता चलता है ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, तो वो बिल्कुल हमारी तरह, हमने देखा भी है बाहर सैंड होती है, कि सैंड को अगर आप हाथ में लेना बिल्कुल रफ रफ सी होती है और रबड़ रबड़ की टाइप्स की होती है। नंबर फाइव, द सॉइल विच कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड कैन मेनटेन दिस शेप आफ्टर ड्राइंग इज़ नॉन एज। वो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी सॉइल भी होती है जिसको जिस शेप में मोड़ा जाए वो शेप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर वो ड्राई होने के बाद उस शेप को कन्वर्ट भी रखती है, मेनटेन भी रखती है। मसलन अगर आप क्ले से
तो वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी होती है, तो हम बता रहे हैं कि वो सॉइल क्ले होती है। यहाँ पे आप क्ले लिखेंगे नंबर 5 में। अगर क्ले को आप अगर किसी ग्लास की शक्ल दे देंगे तो 3-4 घंटे बाद या मैक्सिमम 8-9 आवर्स के बाद फिर वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ग्लास की शक्ल में रहेगी, जब तक आप उसे तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी वो। उसके बाद नंबर 6, द सॉइल विच स्टिक्स टूगेदर वेन वेट बट डज नॉट होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग इज नॉन एज। अच्छा वो बोल रहे एक सॉइल फिर भी इस तरह की होती है कि स्टिकी पानी के ज़रिए वो जम तो जाती है लेकिन स्टिक नुमा शक्ल भी दे देती है, लेकिन बाद में अपनी ये जो शेप है ना उसे नहीं काम रख सकती, उसे बना नहीं सकती। तो वो कौन सी सॉइल है, वो सैंड ही है जिसके ज़रिए पानी में हम कुछ ना कुछ बना तो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वक्ती तौर के बाद फिर वो टूट जाता है। बट डज नॉट होल्ड इट शेप आफ्टर ड्राइंग, तो सूखने के बाद वो शेप को बरकरार नहीं रखती। नंबर 7, सॉइल सपोर्ट प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर डैश फर्मली। सॉइल जो होता है वो क्या कहते हैं, प्लांट्स की क्या चीज़ होती, ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको मजबूती के साथ पकड़ लेता है, तो मजबूती के साथ तो उसकी जड़ें पकड़ी जाती हैं, यानी इसमें हम लिखेंगे रूट्स, के ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें होती है और वही उसको मजबूती से पकड़ता है। सॉइल जो है उसकी मजबूती से पकड़ के रखती है ताकि प्लांट्स को ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। अब आप इसकी एक्सरसाइजेस को बुक में भी करेंगे और कॉपीज़ में भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और होमवर्क भी आपको सेंड किया जाएगा।